मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए आप। मुख्यमंत्री जी 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत कल 31 तारीख को अटेली हलके में उनका जन आशीर्वाद यात्रा का पदार्पण होगा, इसलिए हमने खोड़ मोड़ अटेली के अंदर डिप्टी स्पीकर संतोष यादव की अगुवाई के अंदर यहाँ हमने व्यवस्था की हुई है। उनका जोरदार शानदार बड़े उत्साह के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। कल 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेताओं का जितने भी उनके साथ पदाधिकारी आएंगे पूरे जोश खरोश के साथ अटेली की जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। किस तरह की तैयारियां आपने की हैं? तैयारियां हमने सभी लोगों के उचित व्यवस्था बैठने के लिए, उनके खाने पीने का पीने की व्यवस्था है, आराम से पंखे की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को गर्मी के अंदर परेशानी ना होना पड़े, क्योंकि दोपहर का समय है। मुख्यमंत्री जी 2 बजे का समय हमें मिला हुआ है अटेली खोड़ मोड़ के अंदर, अटेली के अंदर, तो इसलिए हमने दोपहर की वो व्यवस्था को देखते हुए हमने पानी की और पंखों की व्यवस्था भी की गई है और 15,000 के करीब हमारी संख्या का हमने आकलन किया है कि हम जितनी चेयर्स हमने लगवाई हैं 15,000 के करीब हमने कुर्सियां यहां लगवा दी गई हैं। और भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम और जानकारी मिल पा रही है कि सर कुछ कलाकार आपने बुलाए हैं लोगों के एंटरटेन के लिए? एक्चुअली सिकंदर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, कलाकार का मतलब ये नहीं कि कोई भीड़ जुटाने के लिए करें जी, लेकिन जितने भी जनता है वो कभी फिक्स टाइम पे एक साथ तो उपस्थित हो नहीं सकती, इसलिए जो लोग पहले आ जाएंगे वो कम से कम, हमारा देहाती क्षेत्र है हमारे यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज को बहुत स्थान दिया जाता है, यहाँ रागनी गायककार एक उनके टाइम पास के लिए, ताकि तब तक जो लोग पहले आ जाएं अपना स्थान ग्रहण कर ले वो टाइम पास हो जाएगा। 2 बजे जब मुख्यमंत्री जी आएंगे सब वो कार्यक्रम बंद हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई बड़ा अभद्र कोई इस तरह का कोई डांसर या नहीं बुलाया गया है, बड़े मैच्योर कोई कलाकार मतलब रागनी का जो मनोरंजन हमारे लोगों का 1-2 घंटे जब तक पहले आ जाएं हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि दूर बड़ा क्षेत्र पड़ता है अटेली हल्का 65 किलोमीटर की यहाँ दूरी पड़ती है, इसलिए कलाकार आ रहा है तो कोई उनके मनोरंजन के लिए व्यवस्था की गई। और चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ? मैं ओके न्यूज़ चैनल की तरफ से उनके सभी दर्शकों को और उनको आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर चंद्र जी आप इस अटेली हल्के की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, बखूबी जागरूकता जितने भी आपने आपके चैनल द्वारा की उसके लिए हमका उन्हें धन्यवाद करते हैं कि आप ओके न्यूज़ के द्वारा हमारे दर्शकों को हमारे अटेली क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाने का जो आप काम करते हैं उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।